ये आप मुकम्मल देख सकते हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं इधर, ठीक है, ईरानी बच्चे हैं, ठीक है। तो ये पानी का कितना खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है, लेकिन बहुत गर्म मौसम है इधर, लोग फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। ये जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं इस टाइम किस जगह पर मौजूद हूँ आपने खुद बताना है कमेंट में, ठीक है, लेकिन मैं आखिर में आपको बता दूँगा मैं किस जगह में मौजूद हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ की सैर मुकम्मल करवाता हूँ। देखें, ये ईरान का सिटी है, ठीक है, तो मैं इसकी मुकम्मल आपको सैर करवाता हूँ, आप देखें कितना खूबसूरत है। अगर आपको भी विज़िट करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है वो मैं आपको मुकम्मल विज़िट करवाऊँगा आज, ठीक है। आपने वीडियो आखिर तक देखा करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पार्क है, छोटी सी पार्क है, ये कोई इतना मशहूर सिटी तो मशहूर है, लेकिन ये आगे सिटी का इलाका है एक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने जो है ना पानी का फुहारा लगा हुआ है, बहुत प्यारा ये सीन बन रहा है, ठीक है। तो मैं आपको मिल रहे हैं इधर, ठीक है, ईरानी बच्चे हैं, ठीक है। तो ये पानी का कितना खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है, लेकिन बहुत गर्म मौसम है इधर, लोग फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। ये पानी मुझे नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है, नीचे इन्होंने सिस्टम ही ऐसा किया हुआ है। ये देखें आप, ये बच्चे खेल रहे हैं इधर, ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं इधर जो है ना ठंडी छाँव का जो है वो में लगे हुए हैं, ये आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई इनकी ये ना कोई इबादत गाह है, मुझे तो नहीं इसका पता ये कौन सी इबादत गाह है, ठीक है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। मैं तो आपको भी यही कहूँगा कि आप भी विज़िट करें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे आप लोग कहते हैं जी आप जो है ना टैक्सी में बैठे रहते हैं, टैक्सी में बैठे रहते हैं। भाई मेरे टैक्सी में बैठा रहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम बहुत कम होता है, शॉर्ट टाइम होता है। ये लोग बैठे हुए हैं आपस में गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, ये सारे आपस में ये दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने काम भी ड्यूटी भी करनी होती है, बहुत कम मैं निकलता हूँ सिटी की तरफ, ठीक है। ये हो सकता है मुझे सिक्योरिटी वाले रोक भी लें, आगे सिक्योरिटी वाले हैं, लेकिन हो सकता है वो रोक लें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है सफान का इलाका नफ्जाबाद, सफान बहुत मशहूर सिटी है, आगे उसका एक सिटी है छोटा सा, ठीक है। ये देख सकते हैं नफ्जाबाद, ठीक है। तो ये सामने अगर देखा जाए तो ये सामने रोड है, सही है। ये सारे लोग हैं जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये ठंडी छाँव में बैठे हुए हैं, सही है। तो बहुत सुकून के साथ ये बैठे हुए हैं, इधर अगर देखी जाए तो दरख्त भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इधर ये ठंडी छाँव का मज़ा ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इन मोटरसाइकिल है इनके पास, मोटरसाइकिल भी इन्होंने छाँव में खड़े किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपका भी ये सफान के इलाके में विज़िट हो, या अगर कभी आपका इधर का चक्कर लगे, लेकिन आप नफ्जाबाद में लाजमी आएँ, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं, बहुत ही अच्छे इलाके हैं, ये सारी फैमिली इधर बैठी हुई हैं, ठीक है। ठंडे पानी हैं इधर, बहुत ठंडी हवा है और ठंडे पानी की वजह से, ठीक है, हवा जब चलती है ना तो मज़ीद हवा जो है वो गर्म नहीं रहती इधर, सही है। मैं तो आपको भी यही कहूँगा कि आपको भी एक दफ़ा ज़रूर यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। तो लेकिन मैं तो यहाँ पे आता रहता हूँ, आपको भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, इतना कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता, बहुत कम खर्चा होता है इधर, तो लेकिन आपको एक दफ़ा विज़िट करना चाहिए इधर का भी, सही है। मैं आपको मज़ीद भी और भी जगह लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह वीडियो आप लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, सही है। तो आप दोस्त आपकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर भी मुकम्मल हुए हैं, तो इंशाल्लाह मेरी आईडी भी एक दो दिन में मोनोटाइज की मैं दरख्वास्त कर दूंगा, क्योंकि मेरा वॉच टाइम मुकम्मल हो चुका है। अगर इनकी मैं आपको मार्केट दिखाऊं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको विज़िट करवाता हूं, इनकी मार्केट कैसी है कैसी नहीं। ये सामने रोड है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सामने इनकी मार्केट है। मार्केट में मुझे ज़रूरत तो नहीं है जाने की, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी मार्केट इनकी कैसी है, कैसे लोग हैं। लेकिन ये इधर की जो भी जितनी भी लेडीज़ हैं, इन्होंने अपना ही लिबास पहना होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा जो लेडीज़ हैं इनकी, वो अपना लिबास पहनती हैं, बुरखा पहनती हैं, ठीक है। लेकिन इधर इतनी इजाज़त नहीं है जो कि जैसे यूरोप में वो लिबास पहन सके, बहुत ज़्यादा सख्ती इधर की इनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सख्त गवर्नमेंट है इनकी, सही है। तो मैं आपको दूसरी भी जगह पर लेके चलता हूँ, ठीक है, वहाँ का भी विज़िट करवाता हूँ,
लेकिन मैं स्पेशल आज आप लोगों के लिए निकला हूँ, लेकिन गर्मी बहुत है। सही है, ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है इनकी। ये इशारा लगा हुआ है साथ में, ठीक है, ऑटोमेटिक इशारा बंद हुआ तो मैं इधर आ गया हूँ। सही है, तो किसी भी किस्म का यहाँ पे डाउट हो, अगर आपके पास वीज़ा है तो आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो मैं अगर आपको सामने मार्केट का विज़िट करवाता हूँ, ये सामने देखें आप, ये आप सामने देखें इनकी मार्केट देखें, तो ये रोड है सामने, दूसरी तरफ उनकी मार्केट है, ठीक है। दरख्त बहुत ज़्यादा हैं इनके, बहुत ठंडी छाँव हैं, ठीक है। तो मेरे नहीं ख्याल में इनको ना ज़्यादा इधर गर्मी महसूस होती होगी, क्योंकि इनकी जो परचून की दुकान है उधर भी एसी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये आम सी इनकी मार्केट है, अभी इतनी ख़ास जगह में मैं नहीं गया, ठीक है। ये आम जी आम सी जगह है एक जहाँ पे मैं आया हूँ, ठीक है। तो मुझे ज़रूरत तो नहीं थी आ जाने की, लेकिन एक दोस्त की कमेंट की वजह से आया हूँ। आप डरते हैं, आप ऐसे हैं, भाई मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन हर काम का एक तरीकाकार होता है, ये देख सकते हैं आप। ये मार्केट है इनकी, ये देखें आप। सही है, मेरे ख्याल में आपको भी यहाँ विज़िट करें तो बहुत ही कम से खर्चे में आप ईरान घूम के वापस चले जाएं। जो ईरान के गांव अगर देखे जाएं तो वो इससे भी ज़्यादा बेहतर है, मज़ीद बेहतर है इनसे। सही है, तो अगर इनका कल्चर देखा जाए तो कल्चर इनका जो खाने का है ना, वो तकरीबन बहुत कम ये पैसों में अपने जो खाने का खर्चा है ना वो अफोर्ड कर लेते हैं। तो इनके जो कानून है वो बहुत ज़्यादा सख्त कानून है, किसी भी किस्म की या ऐसी कोई गैर अखलाकी या कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करनी आपने यहाँ पे आके, या कहना जी हम गैर मुल्की हैं या ऐसे हैं, भाई कानून इनका सबके लिए बराबर है। लेकिन ये किसी भी किस्म की जो पुलिस है इनकी, कानून को किसी को भी हाथ में नहीं लेने देती। सही है, ये भी इनकी कोई इबादतगाह है, ठीक है। मुझे तो उसका नहीं पता ये कौन सी इबादतगाह है, ठीक है। तो जो भी इनकी अगर दुकानें देखी जाएँ, ये सारी देखें अपनी हदूद में हैं, कोई भी अपनी हदूद से ओवर से नहीं है, बाहर नहीं है। सही है, तो वो सामने पुलिस वाले भी हैं, हो सकता है पासपोर्ट भी मेरे पास मौजूद नहीं है, वो कहीं मुझे रोक ना लें। सही है, हो सकता है वो भी मुझे रोक ना लें। इस तरफ चलते हैं, अगर यहाँ का मैं आपको बोलता हूँ तब खुद ये देख सकते हैं। सही है, मैं पैदल इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको तसल्ली से मालूम मिल सके, तसल्ली से हर अपडेट मिल सके। ये आप देख सकते हैं, ये ईरान कोई यूरोप नहीं है। अगर कोई भी तूफान के इलाके में या इराक के बॉर्डर की तरफ हो, ठीक है, अगर किसी ने विज़िट करना हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उनकी ज़रूर हेल्प करूँगा। सही है, उनको मैं बता दूँगा किस तरीके से आपने विज़िट करना है, या कौन सी आप टैक्सी करवाएंगे जो आपको सबसे कम पैसों में पड़ेगी और कितना खर्चा आ जाएगा। खर्चा तो बिल्कुल कम आता है इधर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देखना है। किसी भी किस्म का यहाँ पे कोई ख़तरे वाली बात नहीं होती। आप वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ठीक है, या किसी किस्म का ख़तरा पैदा होगा, भाई ऐसा कोई भी किसी भी किस्म का कोई ख़तरा पैदा नहीं होता। सही है, जब तक आप गैरकानूनी हरकत नहीं करेंगे तो आपको किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, ये बैठने वाली जगह है सारी इनकी। सही है, तो माशाल्लाह इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है, तो मज़ीद तरक्कियाँ करें, हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करे, हमारी तो दुआ है। लेकिन आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, सियासतदान आपस में लड़ लड़ मर रहे हैं, ठीक है, आवाम को इतने इतना नुकसान दे रहे हैं, इनको क्या कहें आप, ठीक है। तो ये देखें, किसी भी किस्म की आपको मालूम चाहिए हो, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन मैं आपको एक इस जगह पर लेकर जाऊँगा, ऐसी जगह है वो जहाँ पर ना रात के टाइम डांस वगैरह भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे मेरे लिए पासपोर्ट लाजमी है क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट मेरा बैंक में गया हुआ है, तो जैसे मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे भी आपको लेकर जाऊँगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है इधर। सख्त मैं देखें, ये इस जगह पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये है नफजाबाद का इलाका, ठीक है। तो
मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छी से अच्छी मालूमात दूँ, ठीक है, जो मेरे जहन में नहीं भी रहती तो आप मुझे बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो किसी किस्म का भी कोई गलत मालूमात हो तो आप मुझे कह सकते हैं जी आपने ऐसी कोई गलत मालूमात दी है जिसमें हमारा नुकसान हुआ है, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन कोई मैं आपको ऐसी कोई भी मालूमात नहीं दूंगा जिसको मेरे भाइयों को या मेरे दोस्तों को किसी किस्म का नुकसान हो, ठीक है। तो गलत कमेंट ना किया करें, कुछ भाई हैं जो बहुत ज़्यादा ना गिरी हुई बात करते हैं, लेकिन करते रहें मेरी सेहत के ऊपर उनका कोई भी असर नहीं पड़ता, सही है, थोड़ा सा आप भी एहतियात किया करें। वो कमेंट मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ, मेरी आईडी है, मेरे पास पूरा तैयार है उसका, लेकिन मैं फिर भी वो डिलीट नहीं करता। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गिरे हुए अखलाकी अल्फाज लिखते हैं, बिल्कुल गिरे हुए होते हैं अल्फाज, ठीक है, वो फिर मजबूरन मुझे जो है ना कमेंट डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कोशिश किया करें, अच्छा कमेंट कर दें, कोई भी अच्छी सी बात कर दिया करें, ठीक है, किसी को मैंने नुकसान नहीं दिया तो आप भी मुझे नुकसान ना दिया करें, ठीक है। तो आप अपने बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे, तो मैं आपको तेहरान भी लेकर जाऊंगा, मेरी कोशिश है, हो सकता है मैं तुर्की जाता हूँ, अज़रबैजान जाता हूँ या इराक जाता हूँ, वो बात का मसला है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।